जब भी आपका गाड़ी लेने का मन होता होगा तो ये सवाल आता होगा कि कार कैसी और कौन सी लें। मैं ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वालों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि गाड़ी लेनी है लेकिन लेनी कौन सी है। क्योंकि आप कोई सी भी कंपनी के शोरूम पे जाओगे तो आपको कोई भी गाड़ी बुरी नहीं लगेगी, सब अच्छी लगेंगी। और वहाँ जो सेलर होता है वो भला अपनी गाड़ियों की बुराई क्यों करेगा, वो तो सब तारीफ ही करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कार कैसे चॉइस करें और क्या प्रोसीजर है गाड़ी लेनी है और क्या प्रोसीजर है गाड़ी लेने का, मतलब कैसे ली जाती है, चलिए जानते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। कार लेनी है पहले, बल्कि सबसे जैसे आपको गाड़ी लेनी है सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आता है बजट कि आपका कितने लाख का बजट है, या फिर लोन पे लेनी है कितनी सैलरी आप बचा लेते हैं और हर महीने किस्त मैनेज कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं किस बजट में कौन सी कार आ जाती है, क्योंकि ऑप्शन ज़रूरी है। पहले बात करते हैं 5 लाख के बजट में कितनी। 5 लाख के बजट में सिर्फ 3 ही गाड़ी आती हैं, एल्टो के टैंक जो 3,99,000 से लेकर 5,96,000 तक, दूसरी है क्विड जो कि 4,70,000 से 6,33,000 तक, और तीसरी है मारुति एस्पेरेसो जो कि 4,26,000 से 6,12,000 तक। यानी 5 लाख के बजट में सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ आती हैं। अब जानते हैं 5 से 10 लाख में कितनी गाड़ियाँ। 5 से 10 लाख में बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती हैं, सबसे ज़्यादा इसी बजट में गाड़ियाँ हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप देख सकते हैं। इसमें 38 गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट सेलिंग कार बताऊँगा सिर्फ, जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं वो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं और उनकी कीमत भी। इसमें 4X, नेक्सोन, प्रेजा, पंच, स्विफ्ट, अल्टिका, बलिनो, डिजायर, वेन्यू, वैगनार, ग्लेंजा और ग्रेनाइट एंड न्यूज है। तो ये 10 लाख के बजट में अच्छी और सेल्स में ऊपर गाड़ियां हैं जो मैंने आपको सजेस्ट करी हैं। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है किस रेंज की कार खरीदनी है, क्या बजट है। सबका प्रोसीजर एक जैसा ही होता है, बस कोई कोई आपको तुरंत मिल जाती है, कोई 10 दिन बाद, कोई महीनों बाद, यानी कि वेटिंग पीरियड गाड़ियों का अलग अलग होता है। तो आपने सपोज डिसाइड किया कि मैं 10 लाख के बजट में कार लूँगा, अपनी रिसर्च में लग जाओगे आप, फिर आप देखेंगे कि सब कौन सी कार अच्छी बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपके मन नहीं जाएगा जो गाड़ियाँ ज़्यादातर लोग सजेस्ट कर रहे हैं। या फिर एक मन खुद का होता है कि मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, तो आप उसी के बारे में नाम लेके लोगों से पूछेंगे तो कोई भी बुरा नहीं बताएगा, सब अच्छी ही बताएंगे ज़्यादातर। एक तो होता है नाम लेना, एक होता है खुद पूछना, क्योंकि गाड़ी कोई भी ख़राब नहीं होती, बट डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए लेनी है, डेली ड्राइव करनी है या कभी कभी ड्राइव करनी है। डेली ड्राइव करने वाला तो माइलेज और मेंटेनेंस पर फोकस रखता है, और कभी कभी वाला लुक, मजबूत और फीचर्स ज़्यादा देखता है। तो आपने सपोज कोई सी भी गाड़ी सेलेक्ट कर ली, आप जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है कार लेने का। सबसे पहले आपने जो भी गाड़ी सेलेक्ट करी उस कंपनी के शोरूम पर जाना है, गाड़ी को देखने, टेस्ट ड्राइव लेनी है उस गाड़ी की, फिर सेल्समैन से बैठ के बात करनी है, जो भी क्वेश्चन हो वो पूछना है, वो आपकी फुल हेल्प करेगा। फिर डिसाइड करने के बाद आप गाड़ी की वेटिंग पूछना कि कितने टाइम में मिल जाएगी, आप उस वक्त से सहमत हुए तो आपको कोटेशन बनवा लेना, आप वो बना देगा। और कोटेशन में 3 चीज़ें आपको ज़रूर पे करनी पड़ेंगी, एक शोरूम, RTO और इंश्योरेंस, जिसे ऑन रोड प्राइस कहते हैं, लेकिन वो कोटेशन में एसेसरीज भी ज़रूर जोड़ेगा जिससे आपकी ऑन रोड प्राइस बढ़ जाएगी। वो आप पे डिपेंड है कि आपको वो एसेसरीज़ की ज़रूरत है या नहीं, वो डिसीजन आपको अपने फ़ायदे के लिए देखना है, ना कि सेल्समैन के फ़ायदे के लिए, क्योंकि सेल्समैन 100% सजेस्ट करेगा कि आपका फ़ायदा, वो बल्कि आपका फ़ायदा बताएगा कि एसेसरीज ले लीजिए आपका फ़ायदा है, लेकिन ये सोचना आपका है, आपको अपना फ़ायदा देखना है ना कि सेल्समैन का, क्योंकि एसेसरीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो लाखों रुपए की एसेसरीज़ लगवा सकते हैं शोरूम से ही।
अपना फायदा देखकर। लेकिन दो चीजें मेन है, आरटीओ और इंश्योरेंस, जो कि एक शोरूम प्राइस के साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं। फिर आती है पेमेंट की बारी। सबसे पहले तो बुक की जाती है, बुकिंग अमाउंट 5000 से लेकर कितनी भी जमा कर दीजिए आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले बुक ही करनी पड़ती है गाड़ी। फिर आप गाड़ी कैश पे लेंगे या लोन पे, वो आप पे डिपेंड करता है। फुल कैश पे अगर आप लेंगे तो 2 लाख रुपए कैश और सारा अमाउंट आरटीजीएस से ट्रांसफर होगा अकाउंट से, और अगर आप लोन पे लोगे तो 20% डाउन पेमेंट जमा होगी और सारा लोन होगा वो बैंक ट्रांसफर करेगा, बाकी का लोन अप्रूव होगा। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट जमा होंगे बैंक में, जैसे आपको लोन कराना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिटर्न 2 साल की फिल हुई भी और बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की ट्रांजैक्शन हुई भी, और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। बैंक अपने फंड से आरटीजीएस कर देगा, आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये है नॉर्मली कार खरीदने का प्रोसीजर, है ना आसान। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।